पावन क्षेत्र है ये, यहाँ पर सीता माता रहते थे जिन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। माता सीता इसी जगह पर रहती थी, लव कुश को यहीं पर जन्म दिया। नर्मदे हर उत्तर नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग तरान्या से हम 6 किलोमीटर आगे आ गए हैं। ये पीपरी गांव है, श्री नर्मदा मंदिर तरान्या के बाद परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए ये अगला स्थान है। खरगोन जिला खत्म हो चुका है, ये देवास जिले का पहला स्थान है। नर्मदा मंदिर, मैया मन कामेश्वरी नर्मदा मंदिर। नर्मदा मंदिर ग्राम पीपरी जिला देवास MP ग्राम पीपरी। नर्मदा मंदिर के पुजारी जी हमारे सामने हैं, इनसे बात करते हैं। पंडित जी नर्मदेहर गुरु जी बताएं कुछ यहाँ के बारे में। ये यहाँ पे नर्मदा मंदिर पीपरी में है जी, यहाँ पे अन्न क्षेत्र चलता है, परिक्रमा वासी की सबकी सेवा होती है यहाँ पे जी। यहाँ की जगह खाना पीना रहना सोना बिस्तर सब तरह के मिलते हैं यहाँ पे, यहाँ की जगह कोई बात की कमी नहीं नर्मदा परिक्रमा वासी हो। आसपास कौन सी जगह है गुरु जी? यहाँ सीता वन है, यहाँ पे सीता वन है, उसके बाद में आगे रतनपुर है, वहाँ भी अनक्षेत्र चल रहा है, उसके बाद में वहाँ से जयंती माता पड़ती है जी। आएगा नर्मदे हर हम सीतावन के मेले की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर साल मेला लगता है, शिवरात्रि से 10-15 दिन पहले, और शिवरात्रि के 10-15 दिन बाद तक हर माल का 30 रुपया रहता है। हर माल का 30 रुपया, हर आइटम का 30 रुपया, 30 रुपया हर माल का 30 रुपया, 30 रुपया सभी प्रकार की दुकानें लगती हैं। शिवरात्रि से 1-2 दिन पहले और शिवरात्रि के 2 दिन बाद तक यहाँ विशेष भीड़ रहती है।
अभी तो ये मेला समाप्ति की ओर है। उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग सीतावन की झाड़ी MP नर्मदे है। ये हमारा सीतावन क्षेत्र है, यहाँ पर हर वर्ष इस साल मेला लगता है। भाई क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रोहित वास्केल। रोहित भाई पान की दुकान है आपकी? हाँ जी सर, पान की दुकान लगती है अपनी, 50 साल से यहीं पर लग रही है। अच्छा 50 साल से मेला लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ के बारे में बताएं भैया। यहाँ पर सीतावन क्षेत्र है ये, यहाँ पर सीता माता रहते थे जिन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। सीता माता इधर पास में ही रहते थे यहाँ पर, इसी कारण इस गाँव को सीतावन क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, इसी कारण इसी वर्ष हर साल यहाँ पर मेला लगता है। हर साल बहुत दूर दूर से दुकानों आती है, बहुत धूम धमाके से यहाँ पे मेला लगता है हर वर्ष। नर्मदे हर लोग यहाँ पर मन्नत मांग के जाते हैं। ये जो पत्थर रखे हुए हैं, जिसको जितने मंजिल घर बनवाना हो उतने पत्थर लोग रख के चले जाते हैं, और मन्नत पूरी होने के बाद फिर यहीं आते हैं। सीतावन माता के लोग उसको यहीं जन्म दिया था। नर्मदे हर 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 महादेव, श्री राम, जय राम, जय जय। आ जाओ अंदर, मंदिर में ऊपर वाल्मीकि जी रहते थे। सीता जी यहाँ लोग उसको पालती थी। यहाँ सीता जी के यहाँ पर स्थान, यहीं पर सीता जी तपस्या करती थी। माता सीता इसी जगह पर रहती थी। लव कुश को यहीं पर जन्म दिया। लव कुश का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था, इसी गुफा के अंदर। जय श्री राम। ये गुफा है पीछे, सीता माता ने तो यहीं पर जन्म दिया था लव कुश। उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग सीतावन ग्राम पीपरी जिला देवास MP नर्मदे हर सीतावन उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग ग्राम पीपरी जिला देवास मध्य प्रदेश माता सीता ने इसी जगह निवास किया था, और लव कुश का जन्म भी इसी जगह हुआ था। कोई व्यक्ति की जब मन्नत पूरी होती है तो उसको यहाँ तराजू में तोलते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद कोई व्यक्ति हो, बच्चा हो, मिठाई से या जलेबी से श्री राम मंदिर
इस मंदिर के पीछे नर्मदा कुंड है। ये सभी पुरानी प्रतिमाएं हैं। मंदिर के पीछे तरफ ये नर्मदा कुंड है। नर्मदा जी की जलधार है।